right? Rapid means, you know, waves, tides. That's what they call rapid. This is called rapid, right? But this is baby rapid. जैसे नीचे जाते रहेंगे पापा रैपिड आते रहेंगे यानी रैपिड मीन्स ग्रीन। कितने लोगों ने पहले राफ्टिंग किया? रेज योर हैंड्स। वेयर इन ऋषिकेश? मनाली। डोंट माइंड, मनाली जो राफ्टिंग है वो बोटिंग कहते हैं हम लोग उसको। आज जो राफ्टिंग करने जा रहे हैं रियल वाइट वाटर राफ्टिंग, इसमें वेव्स टाइड्स कम आएंगी, ग्रेडियंट्स ज़्यादा हैं, यानी शू ड्रॉप फॉल, राइट। इफ इन केस अगर आप रैपिड में गिर भी जाते हैं, इफ यू फॉल आउट ऑन द रैपिड, कोई भी पैनिक नहीं करेगा, डू नॉट पैनिक। यू नो क्यों? अगर आप रैपिड में गिर गए फिर पॉप आउट, तो सारे पाप धुलने वाले नहीं, और आपने जो लाइफ जैकेट पहना है ये आपको फ्लोट करने वाला है। ठीक, मेरा नाम है वीर, वन ऑफ द राफ्ट गाइड, बाकी गाइड सारे आपके पीछे हैं। पाँचों राफ्ट नदी में चलने वाली है, तो पाँच राफ्ट एक साथ जाने का मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, दिस इज अ टीम वर्क, राइट, इज दैट क्लियर? ओके, कितने लोग यहाँ पे अच्छे स्विमर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ अ गुड स्विमर, नॉट स्विमिंग पूल स्विमर, अ गुड स्विमर, एवरेज स्विमर, एवरेज। अगर आप अच्छे स्विमर्स भी हैं, नॉन स्विमर हैं, चलेगा, जो कि आज आपको स्विम नहीं करना, डोंट ट्राई स्विम, ओके, वो भी आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, राइट। अगर आपने वॉचेस पहनी है और वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो प्लीज़ उतार के बैग में रख दीजिएगा। अगर वाटर रेजिस्टेंट है बट फ्लोटेबल नहीं है तब भी आप बैग में डाल देना, राइट। स्पेक्स पहने पहन के रखना, सेक्स पहने पहन के रखना, राइट, ओके। जस्ट वांटेड टू नो, हैज एनीवन गॉट एनी मेडिकल इश्यूज लाइक एनी एपिलेप्टिक, एनी एस्थमेटिक, एनी हार्ट डिजीज, एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और एनी ब्रोकन हार्ट? नो, कोई नॉर्मल है, कोई। और अगर आप कोई भी मेडिसिन कैरी कर रहे हैं सो प्लीज़ लेट अस नो, राइट, डोंट बी शाय। अगर ऐसा कैरी कर रहे हैं तो हम लोग एक ड्राई बैग आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें अपना मेडिसिन डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट करता हूँ। नहीं, कैन यू सी द लाइन रोप? ओके, तो इसको कहते हैं बो लाइन, जो फ्री लाइन है, दिस इज कॉल्ड बो लाइन। सो बो लाइन मीन्स दिस इज द फ्रंट साइड, ओके, दैट इज द बैक। तो बैक साइड मीन्स गाइड वहाँ बैठे तो मैन्यूअल करेगा, आपको कमांड करेगा और आप यहाँ फ्रंट पे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 क्योंकि कंपार्टमेंट्स बने ना, यहाँ साइड पे बैठे, राइट। और इट हैज़ वन मोर रोप जिसको हम कहते हैं लाइफ लाइन। अगर आप रैपिड में गिर गए और रोप आपके हाथ में आ गई तो ये लाइफ लाइन है, और अगर हाथ में नहीं आई तो ओ शिट लाइन, राइट, याद रखिएगा, लाइफ लाइन और ओ शिट लाइन। ऐसा होने वाला नहीं है बट नोबडी नोज, राइट, इन्वॉल्व किस नाइड। अगर ये बोट का फ्रंट साइड है तो ये कौन सा साइड है? फ्रॉम माई साइड दिस इज द लेफ्ट साइड, ओके, एंड दैट इज द राइट। तो जब भी आप बोट में बैठते हैं ऑलवेज ट्राई टू सिट ऑन द आउटसाइड एज मच यू कैन, इज दैट क्लियर? ये जो स्ट्रिप बना, कैन यू सी दिस ब्लैक स्ट्रिप, राइट, यू आर गोइंग टू बी सिट ऑन दिस, क्लियर? डू नॉट सिट ऑन द क्रॉस ट्यूब। अगर आप यहाँ बैठ के पैडल करोगे तो क्या होगा, आप प्रॉपर पानी तक रीच नहीं कर पाएंगे और आपकी फिंगर्स बार बार ये नायलॉन रोप से रब होती रहेंगी और बर्न होंगी, राइट। सो बेटर ऑलवेज सिट आउट साइड, क्लियर? कोई भी बोट में इस तरीके से नहीं बैठेंगे जैसे हम कार में बैठते हैं और ऑटो रिक्शा में, राइट, डू नॉट सिट लाइक दिस। ऐसे पैडल करने से क्या होगा, आपके बैक में क्रैम्प आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, राइट। तो जो आपका टोर्स है उसको बाहर के साइड टिल्ट करके आउटसाइड दिस वे, क्लियर? ओके ओके एवरीबॉडी कम फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे आओ प्लीज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ यू गोना लॉक योर फीट, ओके, सो कम क्लोजर। जो भी लेफ्ट साइड में बैठेंगे, हु विल सिट ऑन द लेफ्ट साइड, कैन यू सी द पॉकेट? बट ये सारी राफ्टों में पॉकेट्स नहीं है, कुछ राफ्ट्स हैं जिनमें पॉकेट्स होंगे, अदरवाइज किसी किसी में नहीं है। तो जो लेफ्ट साइड में बैठेंगे आपको जो लेफ्ट फीट है, यू गोना लॉक योर लेफ्ट फीट अंडर द पॉकेट्स, राइट, क्लियर, एंड सिट आउट साइड। देन राइट फीट, जो आपकी हील है यहाँ कॉर्नर पे आप टक करेंगे, डू नॉट पुट योर होल लेग इनसाइड, राइट, जस्ट टक इन द कॉर्नर, इज दैट क्लियर? ये आपका बैठने का पोजीशन हो गया, जो राइट साइड में राइट फीट आगे लेफ्ट पीछे, वो कहना सिट ऑन द लेफ्ट, आई मीन बैक साइड सेकंड और थर्ड। यहाँ पे कोई भी पॉकेट्स नहीं है, यू डोंट हैव एनी पॉकेट्स, राइट, सो यू कैन सी इट हैज अ क्रॉस ट्यूब, राइट, योर पॉकेट, सो यू कैन लॉक योर फीट अंडर द पॉकेट, द लेफ्ट फीट फ्रंट ऑफ यू, अंडरनीथ ऑफ द लेफ्ट, आई मीन फ्रंट,
राइट फीट अंडरनीथ ऑफ द बैक, इज दैट क्लियर? ऐसे आपके पैर लॉक होने चाहिए. कॉपी दैट. ओके, हाउ यू गोना होल्ड योर पैडल, कैन यू शो मी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैडल के तीन पार्ट हैं, इट हैज थ्री पार्ट, आपको याद रखने होंगे, सारे याद मत रखिए तीनों, बट एक तो येलो पार्ट, दिस इज कॉल्ड टी पीस और टी ग्रिप. तो जब भी गाइड आपको कमांड करे होल्ड द टी पीस और होल्ड द टी ग्रिप, दैट मीन्स यू गोना होल्ड दिस राइट, इस तरीके से. सेकंड बार और शॉप. थर्ड ब्लेड राइट. सो हाउ यू गोना होल्ड इट, एवरीबॉडी हैंग इट ऑन अ थंब लाइक दिस. ओके, थंब अदर साइड से, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, एंड फोर फिंगर ऑन द टॉप, आई मीन पाम ओवर द टी ग्रिप राइट, होल्ड इट. इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड हैंड जस्ट नियर द ब्लेड, आई कैन से 5 or 6 inches अबव, इस तरीके से मेजर करिए एंड ग्रैब राइट. डू नॉट होल्ड पैडल लाइक दिस. ओके, सो नकल्स शुड बी आउटसाइड, क्लियर? कॉपी दैट. ओके, रेज योर पैडल प्लीज, दैट्स गुड. ओके, ब्लेड से थोड़ा सा ऊपर, जस्ट नियर द ब्लेड, अबव द ब्लेड, दैट्स गुड. तो जैसे ही हम लोग यहाँ से नीचे रन करेंगे, एक्सक्यूज मी प्लीज लिसन टू मी, वाइल वी गो डाउन द रिवर, इसमें कुछ रैपिड्स आएंगे. रैपिड मीन्स यू नो वेव. तो जब भी हम किसी रैपिड के थ्रू जाएंगे, हमारे पास कुछ कमांड्स होंगी जो कि आपको फॉलो करनी है राइट. सो देर इज ओनली 3 basic commands राइट, पैडल फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड स्टॉप. तो जब भी गाइड आपको कमांड करे, पैडल फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड मीन्स फ्रंट टू बैक मोशन. So this is the forward, lean forward and pull it back. Okay, lean forward and pull it back. But agar aap sirf haath se effort karoge is tarike se, women dhyan dena please, aise paddling nahi karni hai right, ladies and gentlemen, koi bhi. Okay, anybody, is tarike se aap paddle mat karna. Jab bhi aap row karte na, move your torso, I mean move your body forward and back, lean forward and back. This is the forward. So look at me. जब भी गाइड कमांड करे फॉरवर्ड, यू नीड टू लीन फॉरवर्ड, पूरा ब्लेड पानी में डीप करना है. सो डिग इट इन एंड पुल इट बैक, लीन फॉरवर्ड एंड पुल इट बैक विद द पावर.